मदरसे में कुरान मुकम्मल होने के बाद अब होगी दस्तारबंदी। एक दिवसीय कार्यक्रम में होगी 80 से अधिक बच्चों की दस्तारबंदी। 2 नवंबर को जिले में होने जा रहे इस दस्तारबंदी के सबसे बड़े जलसे में मुख्य अतिथि होंगे जमीयते उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले, बस आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस खबर को खास तौर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला गड़ी स्थित मदरसा जामिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु में आगामी 2 नवंबर को दिन शनिवार बाद नमाज इशा जलसा दस्तारबंदी बाद दीनी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। बता दें कि मौलाना मुफ्ती जफर अहमद कासमी मदरसा नाजिम की सरपरस्ती में जिले में ये 9वां सबसे बड़ा दस्तारबंदी जलसा होने जा रहा है, जिसमें लगातार 80 से अधिक बच्चे जिन्होंने कुरान को हिफ्ज कर हाफिज कुरान बन गए हैं की दस्तारबंदी की जाएगी। आपको ये भी बताते चले कि इस कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी यानी मुख्य अतिथि के रूप में मिल्लत इस्लामिया के दिलों की धड़कन कायदाए जमियत जानशी फिदाए मिल्लत जमियत उलमाए हिंद व रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आज के इस दौर में अगर देखें तो लोग IAS IPS TT आदि परीक्षाओं को ज्यादा अहमियत देते हैं और कुरान को हिफ्ज करना आसान समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम पाक अरबी भाषा में होता है, जिसमें एक पेज पर कम से कम 10 लाइनें और ज्यादा से ज्यादा 18 लाइनें होती हैं, जिसे हिफ्ज करने के लिए कम से कम 3 से 3.5 साल लगते हैं, यानी मुंह जवानी याद करने में इतना वक्त तो कम से कम लग ही जाता है और उसे आप लोग इतना आसान समझते हैं और आपने इतना आसान समझ लिया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मदरसे में हाफिज कुरान में कुरान के 611 पन्ने होते हैं, जिसमें एक पन्ने पर 15 लाइनें होती हैं, वो भी अरबी भाषा में, जिसको हिफ्ज करने यानी याद करने का वक्त 3 से 3.5 साल होता है और बहुत से लोगों ने इसे 3 से 4 महीने में ही हिफ्ज कर लिया है। तो जलसाए दस्तारबंदी की अहमियत समझें और इस खबर को आगे बढ़ाएं। साथ ही आगामी 2 नवंबर को दिन शनिवार को कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला गली पहुंचे और दस्तारबंदी के इस 9वें कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन 80 से अधिक बच्चों को जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया है को दुआएं दें और दुआएं खैर में शामिल होकर अपने देश की तरक्की व खुशहाली की दुआएं करें। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए मौलाना मुफ्ती जफर अहमद कासमी साहब ने अधिक जानकारी देते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया है। मुफ्ती साहब, अपने यहाँ शमशाबाद में जो दस्तारबंदी का कार्यक्रम होने जा रहा है 2 तारीख को, उसकी कैसी क्या रूपरेखा है और कौन कौन मेहमान आने वाले हैं? देखिए, ये काफी बड़े लेवल का, बड़े स्तर का प्रोग्राम है। जामिया अबू बकर सिद्दीक से हाफिज और कारी बनने वाले 80 के करीब जो तालिब इल्म हैं उनको दस्तार बांधी जाएगी, सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमने जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहू को दावत दी है और उन्होंने अपनी मंजूरी दी है, वो इंशाअल्लाह 2 नवंबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे दारुल उलूम देवबंद के जो है नायब मुहतमिम मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी दामत बरकातहू भी तशरीफ़ ला रहे हैं और मौलाना अनीस आज़ाद बिलग्रामी दिल्ली, मुफ्ती सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब महाराष्ट्र और मौलाना इस्लामुल हक़ अज़जद साहब जो हमारे जमीयत उलमा सेंट्रल जोन के जो है अध्यक्ष हैं। हमारे इस प्रोग्राम में जो है उसको अपनी सरपरस्ती और दुआओं से जो है नवाजेंगे जामा मस्जिद फर्रुखाबाद के इमाम शहर मुफ्ती मुअज़्ज़म अली साहब और मौलाना अब्दुल रब साहब जो है इस प्रोग्राम की निज़ामत।
इसमें हमने खास तौर से इतना बड़ा आयोजन जो रखा है उसमें ये संदेश भी देने की कोशिश की गई है, इसलिए दस्तारबंदी के अलावा दूसरा टाइटल है तालीमी बेदारी, जो हमारी मुस्लिम बच्चों की नर्सरी है उसको इब्तदाई बेसिक इस्लामी तालीम देने के लिए लोगों को जागरूक करना है, उनको बेदार करना है। तो चाहे जो है इमाम लोग हों हमारे और हाफिज लोग हों और दीन दीनियात से जुड़े हुए लोग हों, मस्जिदों के लोग हों, इन सबको हमने स्पेशल तरीके से बुलाया है, इनवाइट किया है, और भी लोगों तक जा रहे हैं। वो ये कि छोटे बच्चों को इस्लाम की इब्तदाई मालूमात देने के लिए दीनी तालीम के मकतब, ये जो मदरसे हैं इस स्टाइल के, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मकतब जैसे बच्चा जा रहा है स्कूल में, बच्चा कॉलेज में जा रहा है, बच्चा जो है किसी कॉन्वेंट में जा रहा है, किसी सरकारी विद्यालय में जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को कोचिंग टाइप के एक घंटे के डेढ़ घंटे के मकतब जो है दिए जाएं, ताकि उनको जो है इस्लामी तालीम और इस्लामी शिक्षा सही तरीके से दी जा सके। तो ये उद्देश्य है हमारा इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत बड़ा। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है ये उद्देश्य जो है इसमें हम डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद लेवल पर कामयाब हैं।